15 तारीख को यानी 15 जुलाई को और 16 जुलाई को दो दिन लगातार दो चेन स्नेचिंग की घटना हुई। 15 तारीख को पार्क में टहलने जाते समय एक महिला के साथ जो है उनकी चेन छीनी गई थी जो कैप्टन रमाकांत की पत्नी थी और वो फूल चुन रही थी। उस समय वो दो लड़के आए और उन्होंने जो है एक लड़का उतर के वो भी साथ फूल चुनने लगा और मौका देखते ही उनका चेन छीन करके भाग गया था। दूसरी घटना अगले दिन 16 तारीख को हुई। उस दिन भी पार्क पर टहलते हुए एक महिला का चेन उन्होंने छीन लिया। तो ये दो लगातार घटनाएं हुई चेन स्नेचिंग की। और अगली घटना की सूचना हमको मिली EFIR से, जिसमें कि 13 तारीख की घटना दिखाई एक छात्रा ने, और वो दिखाई कि जो मंदिर से वापस जा रही थी उस समय उसकी जो है चेन एक लड़के ने छीन ली। चेन स्नेचर है और इन्होंने लगातार ये घटनाएं किया है और ये पहले जेल में साथ में रहे हैं। इन दोनों के में एक नवाब अंसारी है जो कि लक्ष्मी पार्क दिल्ली का रहने वाला है और ये थाना गुडम्बा से जेल पहले जा चुका है लूट के मामले में, और दूसरा अभियुक्त मनोज गुप्ता है जो कि फरीदीपुर थाना ठाकुरगंज का रहने वाला है। ये जेल में था और अभी 2.5-3 महीना पहले ये छूट करके आया, तो आने के बाद पहले ये आशियाना में रहता था और वहाँ का HS भी है। आशियाना से ये अपना जगह बदल करके जब जेल से छूटा है तो ये ठाकुरगंज में आ गया और यहाँ पर आने लगा। इस तरह से ये अपना अड्डा और स्थान सब बदल बदल के रहते थे ताकि इन्हें जो है पुलिस पहचान न सके और न पकड़ सके न इनका फॉलोअप हो सके। तो बड़े सादिक किस्म के अपराधी थे, लेकिन हमारी पुलिस टीम ने बहुत ही साइंटिफिक और प्रोफेशनल तरीके से बहुत ही जल्दी इस घटना का जो है 24 घंटे में खुलासा किया है। NEC द्वारा A++ सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, एडमिशन के लिए संपर्क करें